फील्डिंग करते हैं। जा रहे हैं और इनकी एनर्जी आज क्राउड रहे हैं पाकिस्तान, वहां रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, खूबसूरत मनाजिर है यहाँ पर। कद्दाफी स्टेडियम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर, फुल टॉस डिलीवरी, वहां बढ़ता हुआ 164 नौ विकेट के नुकसान पर। चैट है, देखिए दोनों मुस्कुराते हुए, ये अच्छा शॉर्ट गेंद था उनकी। जायद मंसूर हासिल किया, अब सिर्फ 9 रन चुके हैं अभी तक इस ओवर में और सिर्फ 7 रन चाहिए वापटा को फाइनल में रसाई हासिल करने के लिए। इस वक्त वह थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे, पॉइंट पर सुहेब ने बॉल को फील्ड किया। 36 ओवर्स मुकम्मल हुए 158 पर 5। सुहेब अपना पांचवा, अच्छा बॉल किया, तेज गेंद था, बाउंस हुआ, बड़ी मुश्किल से लीव किया और जाहिद मंसूर को 140 प्रेशर शो कर रहे थे। जाहिद मंसूर को 140 प्लस स्पीड से बॉल करते हैं सुहेबुल्लाह। अजी और ही हैड अ चैट विद जाहिद मंसूर एज वेल, डेफिनेटली एग्रेशन शो कर रहे थे, फास्ट बॉलर का ये खासा होता है। और एक दफा फिर जाहिद मंसूर को डिस्टर्ब करते हुए डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा, एक और एक्स्ट्रा डिलीवरी, एक एक्स्ट्रा रन वापडा के लिए और जाहिद मंसूर इसको एंजॉय कर रहे हैं। अब मैच में केआरएल के लिए कुछ बाकी नहीं तो सुहेबुल्ला अपनी पेस शो करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए, और आसिफ इनका ताल्लुक भी जिस इलाके से अब्बास का ताल्लुक है, सियालकोट के करीबी इलाका संबड़ियाल, ये भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ से अच्छे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान क्रिकेट को मिलना शुरू हुए हैं। अमाद भट्ट भी उसी रीजन, उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक दफ़ा फिर बहुत अच्छी डिलीवरी, जाहिद मंसूर इज आस्किंग क्या बात है। सरप्राइज कर रहे हैं जाहिद मंसूर को और ये देखिए खेलना चाहते थे, अच्छा तेज़ बाउंसर था और उसके बाद कुछ जुमलों का तबादला और जाहिद मंसूर को थोड़ा सा बैटिंग में भी डिस्टर्ब, बॉलिंग से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं सुहेब की और शायद उनकी बातों से भी, और सुहेब इस सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर इंजॉय करते हुए, सिर्फ 5 रन रह गए हैं और उसको बिल्कुल भी आसानी से नहीं बनने देंगे सुहेबुल्ला जी। बिल्कुल, और एक दफ़ा फिर इसको बड़ा अच्छा खेले, फाइन लग के जाने में एक रन हासिल किया और अभी तक चिट चैट जारी है। और यकीनन ये फ्रेंडली चैट है, देखिए दोनों मुस्कुराते हुए, ये अच्छा शॉर्ट गेंद था उनकी बॉडी का रुख किया और बड़ा अच्छा मैनेज किया इन दी एंड जाहिद ने और एक रन हासिल किया। बड़ी अच्छी दोस्ताना माहौल में की गई गुफ्तगू और जाहिद मंसूर डेफिनेटली इसको इंजॉय कर रहे होंगे और ये एग्रेशन एक्सपेक्टेड होता है फास्ट बॉलर से वन ओवर ही बॉल्स शॉर्ट पिच डिलीवरी बाउंसर, और डेफिनेटली बॉलर और बैट्समैन दोनों इस कंडीशन में अपना एग्रेशन शो करते हैं। मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा इनसे तोक़ुआत रखी जा सकती हैं सुहेबुल्ला से, जिस अच्छी पेस पर बॉल करते हैं। देखिए खालिद भी इतना अच्छी तरह से उसको नहीं खेल पाए, एक रन ज़रूर हासिल किया लेकिन काफ़ी तेज़ ये बॉलिंग की है सुहेब ने इस ओवर में। और याद रहे कि 37वें ओवर का खेल जारी है तो नया बॉल नहीं है, ऑफ द विकेट भी इतनी मदद नहीं मिल रही, लेकिन अपनी रफ्तार से इन दोनों बैट्समैनों को मुश्किल में डाल रहे हैं सुहेबुल्ला। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द शॉर्ट पिच डिलीवरी नाउ, शॉर्ट पिच डिलीवरी होगी जाहिद मंसूर के लिए सुहेबुल्ला की जानिब से, और इस दफ़ा
लाइन चेंज की, बैटल इज गोइंग ऑन। बड़ा अच्छा मुकाबला इन दोनों में, गुलरेज सदफ भी शायद सुहेबुल्ला की रफ्तार की बात कर रहे हैं, और ये आखिरी 3 से 4 रन्स काफ़ी मुश्किल बना दिए हैं सुहेबुल्ला ने अपनी तेज़ बॉलिंग से। और ये वापडा और KRL दोनों टीमों के खिलाड़ी वलीद हाशमी एनालिस्ट KRL के, जबकि मुशर्रफ वापडा के एनालिस्ट, हर गेंद को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर गेंद को नोट कर रहे हैं दोनों एनालिस्ट। और इस मतलब फिर शॉर्ट बॉल किया, बड़ा अच्छा गेंद, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है सुहेबुल्ला ने, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बड़ा अच्छा तेज ओवर, अच्छा ओवर सुहेबुल्ला का, 5 विकेट पर वापडा 162, 37 ओवर में। ये देखिए एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर बीट हुए, बड़ी उम्दा बॉलिंग नौजवान सुहेबुल्ला की तरफ से। एक दफ़ा फिर देखिए जाहिद मंसूर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे